बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज हमना बिनते शहजाद। आर मोटो इज रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू कायदा नर्सरी जमात के लिए का एक नया हर्फ, और हर्फ हमारे पास है खे। और हम देखेंगे खे की बड़ी और छोटी शक्ल, हम देखेंगे तारुफ, पहचान और लिखाई, और साथ साथ अल्फाज साजी भी। खे, खे खरगोश ने छलांग लगाई। छलांग आगे और ऊपर की तरफ होती है, तो उसका मतलब है कि खे का नुक्ता एक होगा और ऊपर की तरफ होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दाई जानब आपकी बड़ी शक्ल है और बाई जानब आपकी छोटी शक्ल है। आपने यहाँ ये भी नोट किया होगा कि जीम चे हे खे सबकी बड़ी और छोटी शक्ल एक जैसी है, फ़र्क अगर है तो नुक्तों का है। और नुक्तों की पहचान के लिए मैंने आपको क्या बताया, जीम ने एक है जूता पहना, चे तीन चाबियाँ छन छन करती हैं, हे हुक्का, हे हुक्का अंदर से खाली, खे खरगोश ने एक छलांग है लगाई। तो आवाज़ क्या है, ख, खे ख खरगोश, खे ख खुबानी, खे ख खैमा, खे ख खानदान, खे ख खत, खे ख खरबूजा। अब हम देखेंगे खे की लिखाई। जी, खे ख एक नुक्ता, अगला देखिएगा, जी अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि अब हम इसकी लिखाई देखेंगे। इसकी लिखाई देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने इसको अब सीखना कैसे है। खे ख खुबानी, खे ख खरगोश, खे ख खैमा। पेंसिल फेरिए और लिखिए, खे लाइन से नीचे लेके जाना है, ऊपर एक नुक्ता, लाइन से नीचे ऊपर एक नुक्ता, फिर लाइन से नीचे ऊपर एक नुक्ता, लाइन से नीचे ऊपर एक नुक्ता, लाइन से नीचे ऊपर एक नुक्ता, खे खे। खे आप देखेंगे अल्फाज साजी। अल्फाज साजी के लिए ख आ, यानी कि खे अलिफ खा, ख ओ यानी कि खे व हो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।